देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सनु जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं एक रेंज देखने को मिल रही है। नीचे में 10,000 से ज्यादा नहीं जा रहा है और ऊपर में 11,500 के ऊपर नहीं जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये रेंज कब तक और देखने को मिल सकती है? क्या ये रेंज टूटती नजर आएगी? क्या ग्वार कॉम्प्लेक्स और तेजी की ओर जाता नजर आएगा? देखिए, ग्वार में अगर आप पिछले 15-20 दिनों से देखेंगे तो एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में करीबन 6,300 और नीचे में करीबन 6,000। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं वो एक काफी सपोर्टिव फैक्टर है। और फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि अब बारिश स्टार्ट हुई है, तो उससे थोड़ा सा जो अराइवल है वो थोड़ा कम रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जल्दी ही इसमें 6,300 के लेवल ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा और ऊपर भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,700-6,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर इनिशियली हम 6,500 को टारगेट करेंगे, उसके बाद 6,700 को टारगेट कर सकते हैं। डिमांड स्ट्रांग है और क्रूड के भावों से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो करंट ट्रेड से मुझे लगता है कि 200-300 रुपए की तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि ग्वार की कीमतों में भी और अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है। क्रूड के भावों, क्रूड के जो तेजी आज देखने को मिल रही है कच्चे तेल की कीमतों में, उसकी तेजी का सपोर्ट कहीं ना कहीं ग्वार की कीमतों में पड़ता नजर आ सकता है, जो कि ग्वार की कीमतों को ऊपर में 6,800 तक लेके जा सकता है। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।